हेलो गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय सेकंड व्लॉग। तो आज हमारे यहाँ पास में कहीं शादी है, तो हम लोग आज पार्टी में जाएंगे। तो मैं लेकिन पार्टी के हिसाब से कपड़े तो नहीं लाई थी, लेकिन मेरे पास एक कुर्ती है तो मैं उसको ट्राई करूँगी। और मम्मी यहाँ पे थोड़ा तैयारी कर रही हैं शादी में जाने के लिए, तो प्रेस वेस कर रही हैं। आगे कंटिन्यू करिए कि हम लोग शादी में कैसी शादी होती है यहाँ पे, और ये उत्तराखंड की शादी है और हम लोगों ने क्या क्या किया। तो मैं आगे पहुँच गई थी। तो ये देखिए, मम्मी हमारे कपड़ों पे प्रेस कर रही है और ये मेरी बेटी बैठी है। तो मम्मी ने कहा चलो प्रेस कर देते हैं और फिर लेके जाएंगे। और ये देखो मेरा बेटा क्या काम करता रहता है, सारे कपड़े निकाल निकाल के फेंकता रहता है। आप कौन से कपड़े पहनोगे? नानी को दे दो प्रेस करने के लिए। नानी को दे दो। क्यों, आपको पार्टी में नहीं जाना? और पार्टी में कैसे खाना खाएगा गुड्डू, कैसे खाएगा? नम नम नम। ये मैं अपनी बेटी का हेयर स्टाइल बना रही हूँ। और इसके बाल सिल्की हैं तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, रबर बैंड इसके नीचे आ जाती है, इसकी कोनी लूज हो जाती है। मैंने उसको बोला था ओपन हेयर कर ले, बट ये कह रही मम्मा गर्मी बहुत है, मैं ओपन हेयर नहीं करूँगी। और इसके आगे से बाल थोड़ा बेबी कट हैं, तो वो मैं इसके फोरहेड पे ना आए तो उसके लिए मैं ट्विस्ट करके उसको पिनअप कर रही हूँ। और देखिए इसका हेयर स्टाइल कैसा लगता है। मम्मी रेडी हो रही हैं और देखो क्या मेकअप का सामान फैला पड़ा है, अभी सब अरेंज करना है। और मम्मी सबसे लास्ट में रेडी हो रही हैं, हेयर स्टाइल अपना सिंपल सादा। मम्मी तैयार होती हैं, मम्मी तैयार हो गई हैं, बच्चे दोनों रेडी हो चुके हैं, तो अब हम निकलेंगे। दिस इज़ माय फाइनल हेयर स्टाइल। मैं कैसी लग रही मुझे बताना, मेरा पूरा लुक है, बाकी मैं शादी में कैसा। Oh,
काफ़ी गर्मी थी, गर्मी की शादी तो बहुत ही बेकार होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पसीने आ रहे थे, पर जैसे तैसे खाना खा के हम फटाफट ज़्यादा वेट नहीं किया और आ गए घर पे। और आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।